बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? गुड, ओके। दिस इज आवर कंटेंट इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट बायोलॉजी, ग्रेड 10, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। टॉपिक है हमारा आज का टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव्स होंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, द 206 बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। एक्सियल स्केलेटन to which appendicular skeleton is attached, जो कि appendicular skeleton के साथ attach होता है। So हमारे पास है skeleton की two types हैं, axial skeleton है और appendicular skeleton है। First of all axial skeleton देखेंगे। Axial skeleton consist of 80 bones in head and trunk of body. Trunk of body means body के शाखे जो होती है, branches of bodies होती हैं, उसको कहेंगे। It is composed of 5 parts. Skull contains 22 bones out of 8 which are cranial bones and 14 facial bones. चेहरे की हड्डियाँ होती हैं। There are 6 middle ear ossicles. कान की हड्डियाँ होंगी। हर कान में 3 ossicles होती हैं। उन हड्डियों को ossicles कहते हैं, ear bones को। There is also a hyoid bone in the neck. Just like a shown in the diagram, hyoid bone, ossical bone के बिल्कुल नीचे शो हुई हुई है। और राइट साइड पे देखिए आपको स्कल नज़र आ रहा है इन रेड ब्रैकेट के अंदर। वर्टेब्रल कॉलम कंटेन 26 बोन्स। द चेस्ट मेड ऑफ अ चेस्ट बोन कॉल्ड स्टर्नम। रिब केज स्कल के बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है। ये आपके पास है जना वर्टेब्रल कॉलम, और इसके नीचे अगर आप देखें तो चेस्ट बोन है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। एंड 24 रिब्स, तो 24 टोटल रिब्स होती हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स होंगी असल में। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 126 बोन्स। पेक्टोरल शोल्डर गर्डल इज मेड ऑफ 4 बोन्स। शोल्डर गर्डल सबसे टॉप पर है दिया गया, लेफ्ट साइड के ऊपर। ये 4 बोन्स होती हैं। आर्म्स हैव 6 बोन्स। आर्म्स उससे नीचे शो किए गए हैं। बोथ हैंड हैव 54 बोन्स। पेल्विक गर्डल हिप जो होती है, पेल्विक गर्डल सेंटर में देखिए जहाँ आपकी बैक बोन फिनिश हो रही है वहाँ आपको पेल्विक गर्डल नज़र आ रहा होगा। लेग्स हैव 6 बोन्स जस्ट लाइक आर्म्स। बोथ फीट हैव 54 बोन्स ऑल्सो जस्ट लाइक हैंड्स। Types of joints are core topic of the day. A joint is the location at which two or more bones make contact. They allow movement and provide mechanical support. Joints can be classified on the basis of a degree of a movement they allow. So types iske kya honge? Immovable joints or fixed joint bhi ise kehte hain. Slightly movable joints, movable joints, hind joints and the ball and the socket joints. First of all, immovable or fixed joints. Such points allow no movements. The joints between the skull bones, jo ke skull bone mein hoti hai, just like shown in diagram. Slightly movable joints. Such joints allow slightly movements. Joints between vertebrae. It's a plural of a vertebrate. Slightly movable. इसकी करैक्टर्स क्या होते हैं? दे कैन मूव स्लाइटली। वर्टेब्राए एंड द थोरैक जॉइंट्स आर स्लाइटली मूवेबल, सेपरेटेड बाय कार्टिलेज। रेड कलर की डिस्क जो लिखी हुई है ये आपका वो कार्टिलेज से फील होता है। मूवेबल जॉइंट्स दे अलाउ अ वैरायटी ऑफ अ मूवमेंट्स। शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ अ मूवेबल जॉइंट इन बॉडी। हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। डायग्राम में शो किया गया है, शोल्डर पर लिखा हुआ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और जो एल्बो आपकी वो पिवट जॉइंट हो जाता है, और जो आपका जनाब हिंज जॉइंट जो आपका घुटना होता है
ठीक है, उसे बोलते हैं हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स मूव बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, लाइक द हिंज जॉइंट ऑन द डोर एंड द अलाउ मूवमेंट्स इन वन प्लेन। द नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स। डायग्राम में दिखाया गया है कंप्लीट व्यू ऑफ अ नी। बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। द हिप शोल्डर जॉइंट और बॉल एंड अ सॉकेट जॉइंट शोन इन द डायग्राम। देखिए वो पर्पल कलर में आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, राउंडेड हेडेड ऑफ अ अपर लेग, ओपन पॉकेट ऑफ अ हिप उसके ऊपर दिया गया है। ये आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।